स्टार्ट करते हैं डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी से, ठीक है। यानी कि कितनी तरह की डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो यूज़ होती हैं करिकुलम थ्योरी के अंदर। नाउ फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। सबसे पहले तो अगर हम इस वाली स्लाइड को देखें तो जो करिकुलम थ्योरी है वो क्या है, वो एकेडमिक डिसिप्लिन में डिवोटेड है एजुकेशनल करिकुलम को बनाने के लिए। यानी कि जितने भी तरीकों से एजुकेशनल करिकुलम मतलब जो भी आपका पूरे टाइम पूरे साल सिलेबस चलता है उसको बनाने के लिए जो यूज़ होता है, उन सब थ्योरीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उन सब अप्रोचेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी, यानी कि अलग अलग अप्रोचेज होती हैं करिकुलम थ्योरी के लिए। तीन तरह की हैं, पहली है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी है लर्नर ड्राइविंग अप्रोच एंड तीसरी है क्रिटिकल अप्रोच, ठीक है। तो अब हम इन सबको देखेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से। नाउ दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज द सब्जेक्ट अप्रोच और द डिसिप्लिनरी अप्रोच। यानी कि इस अप्रोच को हम या तो सब्जेक्ट अप्रोच कहते हैं या फिर डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं, ठीक है। आप इसको डिसिप्लिनरी अप्रोच भी कह सकते हो या फिर सब्जेक्ट अप्रोच भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाता है और उसे सेपरेटली पढ़ाया जाता है टीचर की हेल्प से और किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। जैसे कि मैं एक बात करती हूँ, साइंस की बात हो गई, साइंस में अलग अलग फील्ड्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, तो टीचर क्या करता है रिस्पेक्टिव फील्ड्स में पढ़ाता है। लेकिन मेन सोचने की बात ये है कि ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर सब्जेक्ट अप्रोच अगर हम इसे बोल रहे हैं तो इसमें ऐसी क्या खास बात है। ये जो अप्रोच है ये फैक्ट्स पे बेस्ड है, ठीक है। लेकिन किसके फैक्ट्स, ये क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज अ स्टोर हाउस ऑफ फैक्ट्स मेथड्स थ्योरी एंड कंसेप्ट। यानी कि ये जो अप्रोच है इसमें हम सब्जेक्ट के ही फैक्ट्स को लेके, मेथड्स को लेके, थ्योरी को लेके, कॉन्सेप्ट्स को लेके चलते हैं। इन ट्रेडिशनल अप्रोच द फोकस इज मोर ऑन द सब्जेक्ट। यानी किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है और उसके कंटेंट पे फोकस किया जाता है रेदर देन द प्रोसेस। यानी कि क्या करा जाता है, सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, उसके कंटेंट पे फोकस करते हैं लेकिन प्रोसेस पे फोकस नहीं करते, ठीक है। इट इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया। इंडिया में मोस्टली वो पढ़ाई किस तरह से बेस्ड होती है, यानी कि आपकी पढ़ाई बेस्ड होगी किस पे, सब्जेक्ट पे, या आपको सब्जेक्ट नॉलेज बहुत दी जाती है, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दिया है कि एक एग्जांपल लेके चले तो एक टीचर है जो पढ़ा रहा है लेटर को, ठीक है, लेटर राइटिंग वो बता रहा है तो वो आपको लेआउट बताएगा, ठीक है। वो टीचर आपको क्या करेगा, लेआउट बताएगा लेटर का, लेकिन वो बहुत कम गाइडेंस देगा बॉडी के बारे में कि क्या लिखना है। यानी आपको पूरा फॉर्मेट बताएगा कि देखो बच्चों यहाँ पे एड्रेस आता है, यहाँ पे जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस, यहाँ पे नेम, लेकिन किस तरह से लेटर को लिखा जाए कि बच्चा खुद एफिशिएंट हो जाए वो कभी नहीं बताया जाता। तो बच्चे को बड़ी क्लासेस में आने तक एक प्रॉब्लम रहती है कि बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम फील करते हैं लेटर लिखने में। ये एक एग्जांपल है, जस्ट नॉट अबाउट लेटर बट एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। और ये अप्रोच फोकस करती है किस पे, टीचर पे, ठीक है, और लर्नर पे इस अप्रोच में फोकस कम किया जाता है। तो ये एक चीज़ है कि दिस अप्रोच फोकसेस ऑन द टीचर बट लेस ऑन द लर्नर, ठीक है। बच्चा जो समझता है सीखता है उस पर फोकस नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, अब ट्रेडिशनल अप्रोच की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, अब ध्यान से एक एक करके लेके चलते हैं, मतलब कि उसके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। ये बेसिकली फर्स्ट चीज़ है कि ये कंटेंट बेस्ड है, ठीक है, दिस अप्रोच इज़ कंटेंट बेस्ड। सेकेंड इज़ कि जो टीचर होता है ना वो यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है। अगर आप ध्यान रखें टीचर यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है या फिर इंफॉर्मेशन टीचर के थ्रू आती है। नाउ हर सब्जेक्ट की अपने कंसेप्चुअल नॉलेज होती है, कंसेप्ट होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लर्नर है वो अपने सब्जेक्ट मैटर में मास्टरी कर लेगा, ये इस अप्रोच में एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इन दिस अप्रोच द टेक्स्ट बुक इज द मेन अथॉरिटी। देखो अगर कोई भी चीज़ सीखनी है तो सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक लेके आओ, अपनी बुक लेके आओ, उसमें से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस अप्रोच में टेक्स्ट बुक को मतलब ऐसा माना जाता है कि वो सब कुछ है, ठीक है, उससे ही मेन अथॉरिटी माना जाता है कि उसी से हम सीखेंगे। बच्चों की खुद की जो ऑब्जर्वेशन है, जो बच्चे समझते हैं, जो वो चीज़ों की उनकी वैल्यूज़ है या जो वो कंक्लूजन्स हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी है। दिस अप्रोच हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग स्पेशलिस्ट। ये अप्रोच किस में हेल्प करती है, स्पेशलिस्ट प्रिपेयर करने में। अगर बहुत सारी बायोलॉजी पढ़ लेती हूँ, आगे मैं इसको पूरे ढंग से पढ़ लेती हूँ, मैं उसमें डिटेल सब्जेक्ट की नॉलेज ले लेती हूँ तो एक दिन हो सकता है स्पेशलिस्ट बन जाऊँ। तो यही चीज़ बोली है कि ये स्पेशलिस्ट बनाने में फोकस करता है,
ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे. नाउ वी विल रीड अबाउट एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच. ये जो अप्रोच है ना, ये सब्जेक्ट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है. अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट रिलेटेड फील्ड में या सब्जेक्ट में ग्रोथ हो, तो उसके लिए बहुत अच्छी है. ठीक है, ये टाइम सेविंग है, यानी कि टाइम कम जल्दी मतलब कम टाइम में ज़्यादा कोर्स कंप्लीट करने में हेल्प करती है ये अप्रोच. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बिल्ड करनी है. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज बिल्ड हो, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है. ठीक है, टीचर इनको बहुत ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं. कौन अडॉप्ट कर सकते हैं? टीचर, क्योंकि उनको क्लास में आके पढ़ाना है, बातों को समझाना है, बुक के हेल्प से समझाना है, तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है. स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा वाइडली अवेलेबल है लर्नर्स के लिए, जो इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टिंग है, मतलब यहाँ पे इंटरेस्टेड होगा अपनी पढ़ाई के लिए, मतलब वो इंटरेस्टिंग इन स्टडिंग ऑन देयर ओन, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं कि उन्हें खुद से पढ़ना है, उनको बहुत मटेरियल मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल, मैं आज सोचती हूँ कि मुझे टीचर ने पढ़ाया, मुझे थोड़ा सा समझ में आया नहीं आया, मैं इस टॉपिक के बारे में ढूंढना चाहती हूँ, तो अब इसमें फोकस क्या होता है? कंटेंट पे. तो यहाँ पे मुझे बहुत सारा रिसोर्स मिल जाएगा नेट पे जिसको मैं पढ़ सकती हूँ. इस अप्रोच के अंदर टेस्ट स्कोर्स को इजीली एग्जामिन किया जा सकता है. ठीक है, ये भी एक फ़ायदा है कि बाद में जो टेस्ट होते हैं उनको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच. अब मैं इसकी बात करूँ डिसएडवांटेजेस, मतलब इसके एक तो पॉजिटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है. तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहली बात तो लर्नर के एक्सपीरियंस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, मतलब जो बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट बेस्ड है, तो बच्चे का खुद का दिमाग कैसा चल रहा है उस पर फोकस नहीं करते. स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पैसिव लर्नर होते हैं, मतलब वो डायरेक्टली इतना इन्वॉल्व नहीं होते. टीचर बोलता है वो सुनते हैं, तो दे आर पैसिव लर्नर. ठीक है, डायरेक्टली लर्न नहीं करते हैं थ्रू, मतलब यहाँ पे एक्टिव रोल नहीं होता उनका. ठीक है, दूसरी चीज़ है क्रिएटिविटी को इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई. ठीक है, या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच में ये इतनी स्पेस दी ही नहीं गई कि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी शो कर सके. ये एक फैक्ट है. ये जो अप्रोच है ना, इसमें एक्सपर्ट टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब ज़रूरत है कि बहुत ही अच्छे जो सब्जेक्ट नॉलेज जिनकी बहुत स्ट्रांग हो, वैसे टीचर्स की ज़रूरत होती है. ये जो अप्रोच है, इस सब्जेक्ट सेंटर्ड, देर इज़ अ वेरी लिटिल स्कोप ऑफ लर्निंग इन एन इंटरेस्टिंग मैनर. क्योंकि सब्जेक्ट सेंटर्ड है, सब कुछ कंटेंट बेस्ड है, टेक्स्ट बुक बेस्ड है, तो इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने पे बात आ ही नहीं पाती. ठीक है, दूसरी चीज़ है, इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकती है. इट कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड लैक ऑफ मोटिवेशन. अगर बच्चे को नहीं समझ आ रहा, सब्जेक्ट नॉलेज नहीं आ रही, कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, तो क्या होगा, फाइनली क्या होगा, बच्चा मोटिवेट नहीं रहेगा. ये जो वर्ड है मोटिवेट, वो नहीं रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है. ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के. ठीक है, नाउ ये लास्ट में आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें. दूसरी चीज़, अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियोज़ देखनी है तो नीचे एक बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें जाके आप वीडियोज़ के लिंक्स देख सकते हैं. वरना मेरे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट, एक ऑप्शन है, ठीक है, ये प्लेलिस्ट में जाके आपको अलग अलग तरह की वीडियोज़ मिलेंगी जो आपके काम आ सकती हैं. थैंक यू सो मच.